नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एटीएम फ्रॉड्स के बारे में, किस तरह से फ्रॉडस्टर एटीएम में क्या क्या स्कीम्स लगाते हैं, क्या क्या करते हैं और किस तरह से हम सावधानी बरत सकते हैं और इस फ्रॉड से बच सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैंने ये एक फोटो दिखाया है। इस डिवाइस को कहते हैं एटीएम कार्ड स्कीमर। कार्ड स्कीमर में कार्ड का क्लोन बनाने का काम किया जाता है। देखिए, ये अलग अलग प्रकार के स्कीमर मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इस स्कीमर की मदद से आप जब कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो कार्ड का स्लॉट रहता है उसके ऊपर ये स्कीमर नाम का डिवाइस लगाया जाता है फ्रॉडस्टर के द्वारा, और आपको हूबहू ऐसा ही लगता है कि ये एटीएम के जो मशीन है उसमें कुछ लगाया ही नहीं है, ये अपने आप ही पहले से ऐसा ही ऐसा आपको फील होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा अगर आप उसमें जांच करें तो आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं। तो ये जैसे ही आप इसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं आपका कार्ड का क्लोनिंग हो जाता है, डेटा आपका वहाँ पे कार्ड का कॉपी हो जाता है और बाद में फ्रॉडस्टर आके उसको निकालता है अपने स्कीमर को और उसमें से आपके कार्ड का क्लोन कार्ड वो अलग एक सॉफ्टवेयर आता है उससे वो बना लेता है। दूसरी चीज़, अब देखिए आपका जो पिन है वो किस तरह से वो चुराएंगे। तो कई बार ऐसा करते हैं, पहले कई बार ऐसा भी करते थे, कई मोडस ऑपरेंटी मैंने पेपर्स में ऐसे भी पढ़ी है कि उनके लोग आपके साथ लाइन में खड़े होते हैं और एटीएम में पीछे ही खड़े होते हैं और आपका पासवर्ड देख लेते हैं। लेकिन ये टेक्निक अभी थोड़ी पुरानी हो गई है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो कीबोर्ड है उसका एक ओवरले बना लिया है, तो कीबोर्ड ओवरले लगा देते हैं। देखिए, ये स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, कीबोर्ड ओवरले, कीबोर्ड के ऊपर दूसरा कीबोर्ड एक लग जाता है जिससे कि वो कीबोर्ड में आप जो टाइप करते हैं उसका लॉगिंग कर लेते हैं, उसको वो वहाँ पे लॉक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि आपने क्या इसमें की प्रेस की है, वो उनको पता चल जाता है। वो भी पूरा बैटरी और मेमोरी कार्ड के साथ ही आता है, ऐसा यूनिट होता है। तीसरी चीज़, आप देखिए कि जो कीबोर्ड है उसमें आप क्या प्रेस कर रहे हैं वो अलग से भी वो लॉक कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये एक चीज़ मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार का डिवाइस वो कीबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। देखिए, उसमें ऊपर वो कैमरा भी दिख रहा है, वहाँ पे सर्कल किया हुआ है, तो उस तरह से वो कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आपने कीबोर्ड में क्या प्रेस किया। तो ये भी एक तरीका है जिससे वो आपका जो एटीएम पिन है वो एटीएम पिन को ट्रेस कर सकते हैं। और कई लोग तो देखिए ये तो हद ही कर दी, अभी देखिए ये तो पूरा एटीएम का यूनिट के ऊपर दूसरी चीज ही पूरी लगा दी जिससे कि आपको पता ही ना चले कि इसमें कुछ लगाया हुआ है, क्योंकि वो पूरी स्क्रीन को ढक के नहीं, स्क्रीन भी कोई लोग तो लगा सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये जो तीन चीज़ मैंने आपको समझाई उसका पूरा देखिए, ये समरी फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तीनों चीज़ आ गई, कैमरा भी आ गया, स्कीमर भी आ गया और कीबोर्ड ओवरले भी आ गया। तो ये तीनों चीज़ आ सकती है। अभी इससे बचे कैसे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसा प्राइमा फेसी ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा लगाया हुआ है, वो आपको थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा चेक करना होगा किसी भी एटीएम में, क्योंकि अभी पेपर में आ रहा है कि काफ़ी सारे एटीएम में काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे फ्रॉड कर दिए हैं। पहले क्या होता था, इंडिया में ऐसे फ्रॉड नहीं होते थे एक्चुअली। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी साल पुरानी है एक्चुअली, 5 साल से। तो मैं अपनी फ्रेटर्निटी के काफ़ी सारे सदस्यों को इसके बारे में लेक्चर देता है, मैंने भावनगर और अहमदाबाद में भी मेरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें मैंने इसके बारे में इवन 2015 में भी बात की थी, आज से 5 साल पहले। लेकिन अभी ये चीज़ स्मॉल टाउन्स तक भी पहुँच गई है और कई जगह पर यह चीज़ लगने लगी है, तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एटीएम में ये चीज़ लगाई हुई है, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। ये मैंने आपको जो हिंट दी है उसके हिसाब से आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कि ऐसा कुछ लगाया तो नहीं है ना, उसके बाद सावधानी से आप ट्रांजेक्शन करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी अच्छी होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और सभी लोग सिक्योर बने इसलिए आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।